भारतीय जनता पार्टी के सदर संसदीय सीट से उम्मीदवार घोषित किए गए अभिनेता रवि किशन गुरुवार को गोरखपुर प्रथम आगमन पर ट्रैफिक व्यवस्था के मद्देनजर रूट डायवर्जन किया गया। आपको बता दें, नौसड़ से जुलूस के साथ रवि किशन शहर में प्रवेश किए। यह जुलूस टीपी नगर चौराहे होते हुए बेतियाहाता, शास्त्री चौक, कचहरी चौराहा, गोलघर काली मंदिर तिराहे से यातायात कार्यालय होते हुए धर्मशाला तिराहे से गोरखनाथ मंदिर पहुंचा। मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद भाजपा नेता और अभिनेता का जुलूस गोरखनाथ थाने के पीछे से होते हुए जगेसर पासी चौराहा, हुमायूंपुर तरंगवर ब्रिज, गंगेश चौराहा, अलीनगर से होते हुए बेनीगंज स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचा। रवि किशन के नौसड़ चौराहे पर आने और उनके जुलूस के बेतियाहाते चौराहे पर पहुंचने तक रोडवेज की बसें कालेसर से ही फोर लेन से होकर देवरिया बाईपास पैडलेगंज होते हुए शहर में प्रवेश की। वाराणसी से आने वाली बसें बाघागाड़ा से देवरिया बाईपास होकर शहर में पहुंची। शहर से लखनऊ और वाराणसी जाने वाली बसें इसी रूट से होकर निकली। निजी वाहनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों से पुलिस ने जुलूस के रास्ते पर जाने से बचने का अनुरोध किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा, चूँकि ये आज यहाँ पे इस तरीके का ये यात्रा है, तो हम लोगों ने पूरा एक बाघागाड़ा से रूट डाइवर्जन किया है, एक कालेसर से रूट डाइवर्जन किया है, जिससे किसी प्रकार से जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों की योजना है और हम अपने योजनाबद्ध तरीके से चल रहे हैं कि जनता को हम लोग अधिक से अधिक सरलता से उसको यातायात मार्ग उपलब्ध कराएँ, तो जनता बिल्कुल सही चलेगी।